आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम वेज। इसे आप चाहे मशरूम वेज बोलें, आप मिक्स वेज बोल सकते हैं, आपका जो मन करे आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। और इसे हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। ये एक बार बनाना तो जरूर बनता है इस विंटर में। तो इसे चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने लिए हैं मटर, आलू, गोभी, मशरूम और बेबी कॉर्न। ये सब मैंने लिए हैं इसके लिए। ये हमारी सब्जियां हैं और गाजर। इन सबको मैंने छोटे छोटे पीस में कटिंग कर रखी है। आपकी मर्जी है, आपको कुछ और भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे सब्जियों को ब्लांच। ब्लांच का मतलब होता है कि हमें सब्जियों को एक स्टीम लेनी है बस, मतलब एक बार हमें उसे उबलते हुए पानी में डालना है और फिर इसे हम ठंडे पानी में डालेंगे। देखिए इस तरीके से हमने सारी सब्जियों को उबलते हुए पानी में डाल दी है। इसमें हमने नमक नहीं डाला है और इसे हम इस तरीके से डालेंगे। इसमें हमने केवल गाजर, मटर, बीन्स, आलू और यही सब्जियां डाली है। हमने गोभी और मशरूम को अभी नहीं डाला है। ये देखिए इस तरीके से हमारी सब्जियां ब्लांच हो चुकी है। अब इसे हम ठंडे पानी में डालेंगे। इसे बोलते हैं अधपक्की सब्जी, यानी हमने इसे पूरा नहीं पकाया है, हमने इसको थोड़ा कच्चा और क्रंचीनेस रखी है सब्जियों में, जो कि जब हम इसकी ग्रेवी के साथ इसे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी सब्जी लगती है बनाने में और एक अलग ही टेस्ट आता है इसका। ये देखिए हम इस तरीके से इन सब्जियों को निकाल के हम तुरंत इसे ठंडे पानी में डाल देंगे। इसे ब्लांच करना कहते हैं। अब इसी में हम थोड़ा नमक डालेंगे और हम थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे। हमने ये दोनों चीज इसमें डाली है उबलते हुए पानी में। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ये गोभी और मशरूम। हम इसीलिए गोभी और मशरूम को डाल रहे हैं कि गोभी में अगर कोई कीड़े वगैरह कुछ होते हैं तो वो निकल जाएंगे और मशरूम को हम थोड़ा सा हल्का सा ब्लांच करेंगे। बस इसको भी हमें एक उबाल ही लेना है और फिर इसे हम निकाल करके प्लेट में रखेंगे। इसे हमें ब्लांच का मतलब इसे हमें ठंडे पानी में नहीं डालना, इसे हमें कभी प्लेट में रखना है। ये हमारी अब सब्जियां तैयार हैं। अब इसके लिए हम करेंगे ग्रेवी तैयार। जिसके लिए हमने काजू लिए हैं, 2 से 3 टमाटर हैं और लहसुन है और अदरक। इन सबको हमें अच्छे से पेस्ट बनाना है इसका। ये हमने जार में डाल लिया, अब इसको हम पेस्ट बनाएंगे इसका। ये देखिए अब हम एक बर्तन रखा है, यानी अब हमने एक कढ़ाई रख ली। अब उसमें हमने डाला है ऑयल। इसमें हम डालेंगे एक तेज पत्ता और 2 से 3 लौंग है और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है हमने और एक हमने बड़ी इलायची डाली है। अब इसमें हम डाल रहे हैं, ये मैंने 2 प्याज है जो बारीक काट के रखी है। अब इसको इसमें डाल देंगे और हल्का शैलो फ्राई करना है। हमने ज्यादा खड़े मसालों का यूज नहीं किया है, हमने नॉर्मल ही मसाले लिए हैं। इसे हमें हल्का सा शैलो फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची का पेस्ट। ये हमने बना के रखा है घर का, लेकिन अगर आप चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं, रेड चिली पेस्ट। और इसमें हमने डाले अपने मसाले, जिसमें धनिया है, मिर्ची है और हल्दी पाउडर और गरम मसाला और धनिया पाउडर डाला है। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे जिससे ये मसाले हमारे जले नहीं। इन मसालों को हम अच्छे से भून लेना है और अब इसमें हमें डालना है, अब इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर की ग्रेवी का, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे भी हमें जब तक अच्छे से चलाना है और मिक्स करना है जब तक कि इसमें हमारा ऑयल रिलीज ना हो जाए, क्योंकि जब तक सब्जी में मजा नहीं आता जब तक कि उसमें ऑयल ऊपर से हल्का सा दिखने ना लगे, तो जिससे हमारी सब्जी हमें मालूम पड़ जाती है कि हमारी अब ग्रेवी पक चुकी है। अब इसे हम चलाते रहेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और इसे मिक्स करना है जब तक कि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक ना जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के रखी थी मैंने ये, अब इसे हम थोड़ा ढक देंगे जिससे हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे इसमें ऑयल रिलीज हो चुका है और हमारी ग्रेवी तैयार है। इसे आप जब इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इतनी अच्छी लगेगी और ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है टेस्ट खाने में। आप इसे नान के साथ या किसी भी रोटी के साथ, आप पराठे के साथ आप खा सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है क्योंकि वो हमने ग्रेवी पकाने के लिए डाला था। अब इसमें हम डाले थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी इसलिए पहले नहीं डालते क्योंकि कसूरी मेथी अगर हम पहले डाल देंगे तो कड़वापन छोड़ देती है, तो सब्जी का टेस्ट सारा खराब हो जाता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हमारी जो सब्जियां थी जब ने ब्लांच करके रखा था, अब हम इसमें डालते जाएंगे। और जब हम इस सब्जी को या इस सब्जी को बनाते हैं मिक्स, तो इसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और हम इसमें अच्छे से ग्रेवी के साथ अपनी सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करनी है जिससे कि सारी सब्जियों में ये ग्रेवी अच्छे से घुल मिल जाती है। थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि हमारा जो मसाला है ये लगेगा नहीं ये ग्रेवी का, और हल्का सा हम इसे पकाएंगे। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी और टेस्टी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हमने इसमें डाला है किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हम डाल रहे हैं इसमें घी। अगर आपको बटर डालना है आप बटर भी डाल सकते हैं। ये हमने इसलिए डाला है थोड़ी रिचनेस आ जाती है और थोड़ी सी हमारी सब्जी में थोड़ी शाइनिंग आ जाती है। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। अब इसमें हम डाल रहे हैं एक सीक्रेट चीज, ये बहुत ही अच्छी लगती है जब हम इसे डालते हैं। ये मैंने मैगी का कोकोनट मिल्क लिया है। अगर आप चाहें तो इसे घर में नारियल का जो मिल्क बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में और एक अलग ही टेस्ट आता है इसको डालने से। आपको जरूरी नहीं है क्रीम डालनी है या आपको मलाई डालनी है, अगर आप इसे भी डाल देंगे तो एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें हम डाल रहे हैं गार्निशिंग के लिए धनिया। ये देखिए हमारी ये सब्जी तैयार हो चुकी है। आप इस सब्जी को बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।